नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ थोड़ा दोस्त मनु मोड़। तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है कि जी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आप अप्लाई किया फॉर्म उसकी ऑनलाइन फीस किमें सबमिट करनी है। इस वीडियो में पूरा प्रोसैस दसागे, तुम मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन फीस सबमिट कर सकते हो। जे वीडियो तुम्हें बेनीफिशियल लगे तो वीडियो में लाइक तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लियो। तो एक गल होर, फॉरेस्ट गार्ड की क्लासेस आप ऑलरेडी अपने चैनल पर पंजाब जीके की स्टार्ट कर दी है। जिहड़े भी बच्चे ने सबसक्राइब नहीं किया एंड वट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक जिहड़ा वट्सएप ग्रुप का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके वट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि तुहानू प्रोपर क्लासेस दे लिंक वट्सएप पर मिलते रहन। ओके दोस्तों, सिंपल जिहा प्रोसैस है, इन्हां दी इस पेज पर आ जाएंगे SSSB बोर्ड पर। तो जिथे आप रजिस्ट्रेशन किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया इतने आप ऑप्शन देख सकते हैं, उस दे नाल ही अपलोड फोटो एंड साइन पे का ऑप्शन है। ठीक है, इस तो बाद आप ओके कर लेंगे। ओके करने तो बाद एप्लीकेशन नंबर तो अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करके इतने सबमिट कर देंगे। देख सकते हैं इतने कि हेयर जिते ब्लू अखर हेयर लिखा इससे आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने तो बाद इस तरह का पेज अपने सामने ओपन हो जाता, जस्ट आप इतने टिक मार लगानी है और प्रोसीड से क्लिक कर देनी है। इस तो बाद करना की है, आप इतने कैटेगरी सिलेक्ट कैटेगरी से क्लिक करना है। इस कैटेगरी आप जी नीचों सैकेंड लास्ट है जी पोस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की उससे आप टिक कर लेंगे। ठीक है, टिक करने तो बाद होर कुछ नहीं फिल करना। नीचे का सैक्शन आप नेम डेट ऑफ बर्थ तो मिडल नेम तो ईमेल एड्रेस जो तुम चाहो तो भर दो, जो नहीं भरनी तो ना भरो। ठीक है, तो अपने जो भी इतने कैप्चा दिता है 83 618 जो भी थोड़े बॉक्स में दिता होगा वह फिल करके सबमिट कर दो। ठीक है, सबमिट करने तो बाद पूरी डिटेल अपनी आ जाएगी तो कन्फर्म कर दो। कन्फर्म करने तो बाद हूँ इतने इन्होंने दसा है कि तुम किमें किमें अप्लाई कर सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नैट बैंकिंग थ्रू कर सकते हो या अदर बैंक की नैट बैंकिंग जो थोड़े को भी तुम अप्लाई कर सकते हो। बट जो थोड़े को UPI यानी Paytm गूगल पे जो भी चलता है उस थ्रू करोगे तो ईजी रहेगा, तो उसके चार्जस भी तुम्हें एक्सट्रा नहीं पैणगे। करना क्या, नीचे UPI का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने तो बाद आप इस तरह का पेज सामने आ जाएगा। हूँ जो सीधे आप वर्चुअल पेमेंट एड्रेस इतने फिल करके सबमिट कर देंगे तो अपने जो UPI ऐप है Paytm या जो भी गूगल पे तुम यूज़ करते हो उससे एक मैसेज आएगा, उस विच जाके आपको यस करना होगा तो 250 रुपये जी पेमेंट वो कट जाएगी। जे नहीं करनी तो कोड QR कोड लिखा इस आप टिक करेंगे तो इस तरह का कोड इन्हों का सामने आ जाएगा। हूँ इस स्कैन कर लो, जिहड़े भी गूगल पे या Paytm जिवें आपां दुकान ते कोई भी चीज़ खरीदते हैं उवें स्कैन कर लो तो पेमेंट फिल कर दो, ईजीली पेमेंट हो जाएगी। ओके दोस्तों, जो कोई दिक्कत आती है तो वीडियो में कमेंट करके मैं तो पूछ लो।